यमुनानगर जिले के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद पूर्व डिप्टी स्पीकर व मौजूदा विधायक अकरम खान ने आज एक धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक अकरम खान ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह हर समय उनके लिए खड़े रहेंगे और जगाधरी विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही साथ जगाधरी के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का भी काम करेंगे। आज जगाधरी के हमारे जो बूथ के वर्कर्स थे उनका धन्यवाद और सभी साथियों का धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था और जो उन्होंने बूथ पे शहर में वर्किंग करी है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया, सबका धन्यवाद करा और साथ ही जो उनकी समस्याएं हमारे बीच में आई थी चुनाव के दौरान, क्योंकि हम इनके बीच में वार्डों में गए, इनके घरों में गए, साथियों से मिले, छोटी मोटी समस्याएं थी, कोई बड़ी समस्याएं थी उस बारे में उनको जानकारी दी। देखिए सरकार तो हमारी कांग्रेस की आई थी, ये तो हम सब मानते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी मायूस, लेकिन ये काम जो है शहर के डेवलपमेंट के, गांव के या कहीं के भी जो भी हमारे तरक्की का काम है उसमें हम अपना सभी वर्करों से फीडबैक ले के जो इनके अपने वार्ड के काम है या गाँव के काम है उनको समय समय पर उठाते रहेंगे, प्रशासन के सामने भी और जो भी जिस लेवल पे विधानसभा में भी आवाज़ उठाई जाएगी और जिस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने इलाके के, कोई कमी नहीं किसी तरह की अपने डेवलपमेंट की अपने इलाके में नहीं आने दें। देखिए वो हाईकमांड एक रेजुलेशन हमारे सभी कांग्रेस विधायक दल ने भेजा है जिसमें कांग्रेस हाईकमांड को इख्तियार दिया है CLP का लीडर चुनने का और जो हाईकमांड ने, देखिए उम्मीद है अभी वो नए स्पीकर बने, उन्होंने आश्वासन दिया, सरकार ने भी आश्वासन दिया कि विपक्ष को भी पूरा वक्त दिया जाएगा, सुनी भी जाएगी, अब आगे जब सेशन होएगा सब मालूम पड़ेगा। हाँ DAP की बड़ी मारामारी है, पूरे स्टेट के अंदर दिक्कत आ रही है और एक दो साथी ने हमारे कांग्रेस के वो विधानसभा में पहले जो ओथ वाला, क्योंकि ये सिर्फ ओथ का और स्पीकर के चुनाव का था, लेकिन वहाँ भी ये बात रखी है और हमारे पास भी ये समस्या आ रही है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये दिक्कत आ रही है, लेकिन हम इसको जल्दी अपना उनसे बात भी करी हमने अधिकारियों से, आगे